ये है गांधीनगर की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और इस वीडियो में मैं आपको इसका टूर देने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग विथ गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 से सीधे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट कॉर्नर और कैंटीन आता है और राइट में मेटलर्जी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आती है और फिर सीधे जाएंगे तो राइट साइड में आपको लाइब्रेरी मिलेगी और लाइब्रेरी के एग्जैक्ट सामने आपको कंप्यूटर और आईटी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। सो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे दोनों कंप्यूटर और आईटी के क्लासेस है और साथ ही साथ लैब भी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों पे है। ये है ग्राउंड फ्लोर। सभी फ्लोर्स पे रूम्स बिल्कुल सिमिलर है। ये है जनरल डिपार्टमेंट। हर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इस जनरल डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है क्योंकि इसमें मैथ्स का ट्यूटोरियल के क्लासेस होते हैं। सो वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं और लेफ्ट में ये जो क्लास दिखा आपको ये मैथ्स का क्लास है। फिर वहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको एनवायरमेंट स्टडीज़ का क्लास मिलेगा और फिर स्ट्रेट जाएंगे तो रास्ता ख़त्म है, वहाँ पे कोई क्लास नहीं होता फर्स्ट ईयर वालों के लिए। फिर जहाँ से हम लेफ्ट स्ट्रेट गए थे वहीं पे एक राइट का रास्ता था। सो वहाँ से हम सीधा आएंगे तो फिर ये कॉरिडोर में आप एंटर हो जाएंगे। ये कॉरिडोर जो है इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस है। सो उसके बाहर लेफ्ट में देखेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब आईसी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और फिर वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग मिलेगी। आईसी डिपार्टमेंट में और सभी दूसरे बिल्डिंग में आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम था इसलिए मैंने ज़्यादा अंदर दिखा नहीं वीडियो लंबा करने के लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से आप सीधा जाएंगे तो फिर आप गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। ये है बायोमेडिकल की बिल्डिंग। बायोमेडिकल की बिल्डिंग दूसरी सभी बिल्डिंग से सिमिलर ही है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बायोमेडिकल का डिपार्टमेंट है और सेकंड फ्लोर पे मेटलर्जी का डिपार्टमेंट है। ये है कॉलेज की लाइब्रेरी। इसके अंदर जाते ही आपको नोटिस बोर्ड मिलेंगे, वहाँ पे कॉलेज में जितने भी इवेंट्स होंगे उसका आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। ये है रीडिंग हॉल। फिर ये है स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ पे आपको स्टेशनरी से जुड़ी हुई सभी आइटम मिल जाएगी। ये ऑनलाइन और कैश दोनों एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये है स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, ये अभी तक खुला नहीं है। ये है ट्रिपल आईटी की कैंटीन। ट्रिपल आईटी कॉलेज जो है हमारी कॉलेज के बाजू में है। ये है गर्ल्स हॉस्टल। दिस इज बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल 3 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर आता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आप देख सकते हो कुछ रूम ऐसे खाली पड़े हैं और ये जो है ये टूटे फूटे हुए हैं। फिर ये है टॉयलेट। टॉयलेट में मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हॉल
हॉस्टल के रूम्स कुछ ऐसे दिखते। ये दूसरी साइड का कॉरिडोर। ये दूसरी साइड का टॉयलेट। ये एक स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछे थे मैंने। पंखा के बंद है ना? सही, पंखा ना बंद हो रहा है। बीजू कहीं भी नहीं? हाँ है ना, बाथरूम गयो ना? ये नो वन तो है पर हमें नीचे हो, ये नीचे आ रहा है। सो क्या मार सो क्या अभी है? नहीं ये अभी ना दे। सो बाथरूम बाथरूम। हाँ मैं भी नीचे नीचे तो सुबह होती था। आई वाज अभी अभी यहाँ सीलिंग पे बहुत सारे गंदल के छत्ते थे, और ये छत्ते अगर किसी पे गिर जाए तो उसके मरने के 100% चांस है। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था जब इससे इसके नीचे से गुजर रहा था तब। और यहाँ पे स्वच्छता ज़रा भी नहीं है, और ये बहुत गंदी बिल्डिंग थी। यहाँ पे कोई सफाई करने ही नहीं आता था ऐसा लग रहा था मुझे। और कुछ रूम्स में सारा फर्नीचर टूटा पड़ा था। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों से कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इस हॉस्टल में अपने बच्चे को भेजने का रिस्क मत लो, इससे अच्छा कोई प्राइवेट हॉस्टल कर लो। और ये था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो भी ये कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।